महाराष्ट्र के मंत्रालय में शुक्रवार को एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर वहां मौजूदा लोग हैरान हो गए। मंत्रालय की तीसरी मंजिल से डिप्टी स्पीकर ने अचानक नीचे छलांग लगा दी। ये डिप्टी स्पीकर अजीत पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल हैं। सोचने की बात यह है कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी ही सरकार से नाराज होकर अचानक जोश में आकर ये कदम उठाया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी सामने आया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और तीसरी मंजिल से कूदने के बाद डिप्टी स्पीकर का क्या हुआ हाल। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल ने पिछड़े वर्ग समाज को एसटी कोटे में आरक्षण देने का विरोध करते हुए मंत्रालय की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उनका आरोप है कि उनकी मांगों को महायुति सरकार सुन नहीं रही है। हालांकि छत से नीचे छलांग लगाने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर सही सलामत बच गए हैं। उन्हें खरोंच भी नहीं आई है। ये चमत्कार इसलिए क्योंकि छलांग लगाने के बाद वो नीचे लगी जाली में फंस गए, जिसके बाद उन्हें पुलिसकर्मियों ने बाहर निकाला। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 4 दिनों से आदिवासी विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के लिए सभी विधायकों को सीएम ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनकी मुलाकात शिंदे से नहीं हो पाई, जिसके बाद अजीत पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्रालय की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। नरहरि झिरवाल ने कहा है कि उन्होंने 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इस निराशा के चलते उन्होंने ये गलत कदम उठाया। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति पर सवाल उठाया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नेताओं का ये व्यवहार दिखाता है कि अगर महाराष्ट्र में नेताओं का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा। नरहरि झिरवाल के इस तरह के घटना के बाद यही पता चलता है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे और भी विरोध हो सकते हैं। अभी के लिए पुलिस ने सभी नेताओं को जाली से हटा दिया है। स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।